जय श्री राम भक्त जनों, प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुख ना आए तो दुख आएगा, परंतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दुख आए और आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, पहले तो हर इंसान ये चाहता है कि दुख आए ही ना, अगर आए तो कुछ ना बिगाड़ पाए, जैसे आए और वैसा ही चला जाए। तो प्यारे भक्तों, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें बहुत छोटा सा काम ये करना होगा कि हमें ये मानना होगा कि भगवान कोई चीज़ है, भगवान कोई शक्ति है, और ये मानने के बाद हमें उससे जुड़ना होगा। और जुड़ेंगे हम उससे कैसे? भजन के द्वारा, सुमरण के द्वारा, नाम जप के द्वारा, और वो भी निरंतरता से और विश्वास के साथ। अगर आप भगवान को मानेंगे और उसके नाम जप का अभ्यास करेंगे, निरंतरता से करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे, तो भगवान आपको ऐसी शक्ति देगा कि आपके पास दुख आएगा, लेकिन वो दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वो कैसे होगा? एक तो आप नाम जप कर रहे हैं, तो पहली बात तो दुख आपके पास आएगा नहीं, और अगर आपके पास दुख आता है तो नाम जप करते करते आपको ऐसी प्रेरणा होगी कि जब आपके पास दुख आएगा तो आप अगर विचार करेंगे कि ये दुख किस लिए आया है, तो आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि दुख आपको इसलिए आया है, आपको उसका उत्तर मिलेगा अगर आप नाम जप निरंतरता से और विश्वास के साथ करते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि दुख इसलिए आया है, तो आपका मन जो है ना, एकदम से आपको बता देगा कि इसलिए आया है, और तो तुरंत आप उसका उपचार करोगे, तो उपचार करोगे तो दुख आपका क्या बिगड़ पाएगा, वो दुख जो है तुरंत चला जाएगा। तो प्यारे भक्तों, ये आप निश्चय करके माने, अगर आप भगवान को मानते हैं, भजन ध्यान सुमरण निरंतरता से और विश्वास के साथ करते हैं, तो दुख आते ही अगर आप ये प्रयास करेंगे जानने का अपने मन के द्वारा, तो आपको आपका ये मन बताएगा कि आपको इस वजह से ये दुख आया है, और आपको ये पता लग जाएगा कि ये दुख इस तरह से आया है, इस परेशानी का ये हल होगा, तो आप तुरंत उस हल को तुरंत प्राप्त करेंगे और आपका जो दुख है वो तुरंत चला जाएगा, और आपको वो दुख कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि जो मेन परेशानी है वो ये है कि दुख आता है लेकिन हमें पता नहीं ये दुख क्यों आया, इसका क्या उपचार होगा। और जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि ये दुख क्यों आया है और इसका क्या उपचार है। तो जब आप ये जान लेंगे कि इस दुख का ये उपचार है, तो उपचार करते ही आपका दुख एकदम से चला जाएगा, वो दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन बस आपको इतना ही करना है, निरंतरता से भजन ध्यान सुमरण करना है, और जब दुख आए तो प्रिय प्रयास करना है कि परमात्मा, हे भगवान, हमें ये बताओ कि ये क्यों आया। तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, ये इसलिए आया है, इसका ये उपचार होगा, और आप बिना पैसे के, बिना डॉक्टर के उपचार करें, आपका दुख भाग जाएगा। तो प्यारे भक्तों, इससे अच्छा और क्या होगा? आप समझ ही गए होंगे, आप समझदार हैं, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा करें और अपने दुखों का निवारण करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सियाराम।